तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, SBI बैंक रहे। तो अभी हाल ही में SBI बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों, और वो भी वरिष्ठ नागरिक वो जो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं और दिव्यांग लोग यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। अच्छा गुरु जी, ये डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है? तो मान लो आप 70 साल के ऊपर के हो तो आप इस सेवा में रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी घर पर ही बैंकिंग सुविधाओं का लुफ्त उठा सकते हैं। लेकिन याद रखना, इसके लिए आपको कुछ फीस भी देनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि आपको कोई पैसे का लेन देन करना है तो पर ट्रांजेक्शन आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। पैसे के अलावा अगर आपको कोई और काम है तो फिर उसके लिए आपको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपका घर आपके बैंक से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर होना चाहिए। अच्छा, तो किस बैंक ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप सेवा शुरू की है? तो आंसर क्या दोगे? SBI बैंक ने। अच्छा, SBI ने शुरू की है तो SBI के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। अच्छा देखो, SBI से मुझे कुछ याद आ रहा है। अभी SBI के UK हेड यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो SBI है ना, उसके हेड कौन है? संजीव चड्डा। इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। याद आया, 1 फरवरी के करंट अफेयर्स में बताया था मैंने आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 यानी कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ पे शुरू हुए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो अभी 14 मार्च 2019 से ही यूनाइटेड अरब अमीरात के आबू धाबी में शुरू हुए हैं विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019, जो कि 14 से लेकर के 21 मार्च तक चलेंगे। और याद रखना, इसमें 200 देशों ने हिस्सा लिया है। तो खेल के शुरू होने से पहले ही इन 200 देशों का जो स्वागत किया गया ना, उसी में इतिहास रच दिया गया है। यानी कि इनका जो स्वागत किया गया वो इतना भव्य किया गया कि उसका भी एक रिकॉर्ड बन गया। अच्छा, ये कहाँ पे शुरू हुए हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात कहाँ पे पड़ता है गुरुजी? ये रहा UAE। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अच्छा देखो, अबू धाबी से मुझे याद आता है, मैंने 12 फरवरी के करंट अफेयर्स में आपको बताया था, अबू धाबी की अदालत ने किस भाषा को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जोड़ा है? तो बताओ, आंसर होगा हिंदी। अच्छा गुरुजी, ये तो तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, पहली दूसरी कौन सी थी? तो पहली थी अरबी और दूसरी थी अंग्रेजी। अच्छा, करेंसी क्या है UAE की? तो दिरहम है। प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अच्छा, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? दुबई UAE में। अच्छा, दुबई से मुझे याद आया, याद रखना, 5वें वर्ष दुनिया का सबसे व्यस्त बिजिएस्ट एयरपोर्ट का दर्जा भी किसको मिला हुआ है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और यूनाइटेड अरब अमीरात से हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि UAE और सऊदी अरब ने आपस में व्यापार करने के लिए एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था जनवरी या फरवरी में, मैंने आपको बताया था और कई बार रिवाइज भी करा चुका हूं। तो आंसर दो फिर, क्या है उस करेंसी का नाम? क्या है? एबर, ABER। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के साथ। तो अभी हाल ही में भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को लेकर अमेरिका और भारत के बीच में समझौता हुआ है। अब अमेरिका के साथ समझौता हुआ है तो अमेरिका को आप मैप में देखिए, ये रहा अमेरिका। कैपिटल क्या है? Washington DC है। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो आंसर होगा 45वें नंबर के। अच्छा, USA में टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो 50 स्टेट्स हैं। अच्छा, जो भारत का संविधान है ना, उसका जो प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने USA से ही लिया है। और जो फंडामेंटल राइट्स है ना यानी कि मौलिक अधिकार, वो भी हमने USA के संविधान से ही लिए हैं। अच्छा चलो, यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आंसर क्या दोगे? 6। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो फिर आंसर क्या होगा आपका? 11। अच्छा, ये पॉइंट जब भी अमेरिका की बात होती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो आप ही में से हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट है, नाम तो मैं उनका भूल गया, उन्होंने बताया था उनका RPF का पेपर हुआ था और गुरु जी आप ये हमेशा याद कराते हो, और यहाँ से ये सेकंड वाला पॉइंट हमारे एग्जाम में आ गया। कौन सा वाला? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो बिल्कुल आ नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है, एक्चुअली मैं पढ़ा क्या रहा हूँ ये तो देखो, मैं आपको वही पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, और जो मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट होते हैं,
और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, अगर आपके पास कोई एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आपको लगता है ये पॉइंट आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है या हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट होना चाहिए या फिर कोई टिप्स है कोई ट्रिक्स है, तो आप बिंदास मेरे साथ शेयर करा करो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ये। और फिर चाहो अगर आप कर सकते हो तो उसे कॉपी पेस्ट करके मुझे व्हाट्सअप भी कर दिया करो, ताकि कई बार कॉमेंट में पढ़ना भूल जाता हूँ या रह जाता है टाइम की कमी के कारण, तो व्हाट्सअप में जब भी मैं खोलूँ फ्यूचर में तो वो मुझे वहाँ पर आपके नाम से मिल जाए, मतलब वो छूट ना जाए। अच्छा देखो, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रशिया से खरीदा था, तो आंसर क्या होगा, अलास्का। और याद रखना अभी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है यूएसए का, अलास्का ही है। एसबीआई 2016 में पूछा गया था सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए का नाम क्या है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या है आरबीआई, उसी तरह से यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है फेडरल रिजर्व बैंक। अच्छा देखो, सेंट्रल बैंक से याद आया, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं आज आपको बताता हूँ। अच्छा कौन सा क्वेश्चन गुरुजी, तो हमने पढ़ा था आरबीआई के पास कितना सोना है, उस मामले में हम 10वें स्थान पे हैं। तो मैंने बोला था सभी देशों के सेंट्रल बैंकों के पास जो गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है ना, उसमें हम 10वें स्थान पर हैं। ये रही आपकी लिस्ट। अब आप लिस्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को भी रखा गया है, तो अगर IMF को लिस्ट में हम इंक्लूड करते हैं तो फिर हमारा स्थान क्या होता है, 11वां स्थान होता है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में हमारा स्थान कौन सा है, तो फिर आप आंसर देना 11वां नंबर। पर अगर आपसे पूछे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सभी देशों की सूची में हमारा स्थान कौन सा है, तो फिर आंसर होगा 10वां स्थान। क्यों? क्योंकि IMF कोई देश नहीं है। क्वेश्चन को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं इसको बताना भूल गया, मेरे को बताना था, क्योंकि कंसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे ऐसे ही शब्दों को घुमाता है और आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हो। जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ना कि हाँ 11वें नंबर का पढ़ के चल गए, मान लो एग्जामिनर ने वहां पे घुमा दिया कि टोटल देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनके पास जितना सोना है उस मामले में हमारा कौन सा स्थान है, तो फिर आंसर हमारा 10वां होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है उसको समझो, देशों की बात कर रहा है और IMF इज नॉट अ कंट्री, बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट मैं आपको कल बताना भूल गया था, आज मैंने आपको बता दिया है। कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे, मैंने उनको यही रिप्लाई करा था, समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं आज इसको समझा दूंगा, कल मैं भूल गया था। तो अब आप दोनों फंडे क्लियर रखना, प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, अच्छे लेवल आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो शब्दों को घुमाएगा और आपको गलत करवाने की कोशिश करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी वेबसाइट ICC वर्ल्ड कप 2019 का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, GoDaddy। तो GoDaddy को इस साल होने वाली ICC वर्ल्ड कप 2019 की ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। तो इस ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के तहत मैचेस में आपने देखे होंगे ना, चारों तरफ एक चौके की बाउंड्री लगी होती है 4 रन वाली, तो उस बाउंड्री पे जो स्क्रीन लगी होती है ना, वहां आपको GoDaddy इस बार देखने को मिलेगा। अच्छा मैंने आपको कहीं बार बताया है, चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, इस बार के जो ICC वर्ल्ड कप 2019 है वो कहां पे होंगे, तो आंसर क्या दिया, इंग्लैंड और वेल्स में। चलो बताओ ये कौन सा संस्करण होगा, तो फिर आंसर होगा 12वां संस्करण, जो कि 30 मई से 14 जुलाई तक चलेगा। अच्छा बताओ 2015 के जो ICC वर्ल्ड कप हुए थे वो कहां पे हुए थे, तो फिर आंसर क्या दिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कौन जीती थी, ऑस्ट्रेलिया, किसको हराया था, न्यूजीलैंड को। अच्छा कौन सा संस्करण था, अरे क्या यार गुरुजी, अभी 2019 के 12वां संस्करण है तो 2015 का 11वां संस्करण हुआ होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर आप मुझे बताओ 2023 के ICC वर्ल्ड कप कहां पे होंगे, तो आंसर होगा इंडिया में होंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, आप मुझे बताओ कौन सा संस्करण होगा, अरे यार गुरुजी अभी बताया तो था 2019 के 12वां संस्करण है, तो 2023 का कौन सा होगा, 13वां संस्करण होगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, GoDaddy, तो आप टीवी वगैरह तो देखते ही होंगे थोड़ा बहुत, तो आप मुझे बताओ GoDaddy के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फिर आंसर क्या होगा, महेंद्र सिंह धोनी है। काफी बार एड वगैरह में आपने देखा होगा, बिजनेस भाई वाला एड आता है ना महेंद्र सिंह धोनी का, तो उससे याद रखना। अच्छा ICC वर्ल्ड कप से ICC निकल के आता है, तो ICC इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। स्थापना हुई थी 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर कहां पर है अभी बताया था मैंने पीछे क्वेश्चन में, दुबई UAE में। चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर। अच्छा अभी रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए थे ना, वहां पूछा गया था ICC के पहले स्वतंत्र यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन कौन है, तो फिर आंसर क्या होगा, शशांक मनोहर हैं। अच्छा CEO कौन है, डेव रिचर्डसन है, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेगा। अभी जो ये ICC वर्ल्ड कप 2019 चलेंगे ना, कब से कब तक, 30 मई से 14 जुलाई तक, तो जुलाई के बाद ये ICC के CEO चेंज हो जाएंगे, डेव रिचर्डसन का तो हो जाएगा कार्यकाल पूरा, और नए CEO बन जाएंगे कौन, मनु साहनी,
ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14 मार्च को। तो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे, और इस बार गुरुवार है 14 मार्च को। तो 14 मार्च को हम मना रहे हैं क्या, वर्ल्ड किडनी डे। तो गुर्दे यानी कि किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और गुर्दे की बीमारियां और प्रभाव को कम करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे के रूप में। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड किडनी डे की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। थीम क्या है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। क्या है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया। तो 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अच्छा देखो, हमारी एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट है मीनू, और उन्होंने इसे याद रखने की बहुत ही प्यारी ट्रिक बताई जो मुझे अच्छी लगी, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। देखो सुनो, क्या है शून्य मतलब क्या, जीरो। तो एक बंदा है, एक इंसान है, अगर कोई भी एक चीज़ है, अगर वो मर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक तो वो वैसे ही है, वो भी मर गई तो क्या बच जाएगा, जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एक, और ये भी क्या हो गया, मर गया, तो क्या बच जाएगा, शून्य। तो एक मर से मार्च, और इधर क्या आ गया, शून्य। तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, अब आप लोग इसे कभी नहीं भूलने वाले। बहुत शानदार जबरदस्त काम किया है मीनू, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने, अब ये लोग कभी नहीं भूलने वाले इसको, 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। अच्छा, इसकी थीम क्या है, एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यश ने, हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट है यश ने, उन्होंने इसको याद रखने की एक बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी उन्होंने, क्या कहा था, विश्व वन्य जीव दिवस हम क्यों मनाते हैं, ताकि जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो मर न जाए, मरे न। ठीक है, तो मरे न से हमने लिख दिया मरे न, बस वो मर न जाए। और देखो कितने वर्ड हैं यहाँ पे, विश्व वन्य जीव दिवस में 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से भी देख लो तब भी 3 है, तो मैंने आगे लिख दिया 3। या मैंने आपको कैसे बताया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे में WW आ रहा है, तो W भी तो एक 3 नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा उसे टिल्ट करो, टेढ़ा करो। तो इस तरह से 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम इंपॉर्टेंट बनेगी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। उसके बाद 7 मार्च जन औषधि दिवस, और 8 मार्च सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल वुमेन डे। इसको तो कोई याद रखने की ट्रिक नहीं चाहिए, ये याद रहेगा हमें। अच्छा देखो, वुमेन से मुझे याद आती है गर्ल, और गर्ल से मुझे याद आता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। अच्छा गुरुजी, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो मना लिया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी तो मना लो। तो वो कब मनाते हैं, अभी हमने मनाया था 24 जनवरी को, और याद रखना 24 जनवरी को इस बार से ही पहली बार हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाना शुरू किया है, तो वो भी याद रखना। अच्छा बात चल रही है इंटरनेशनल वुमेन डे की, तो उसकी कैंपेन थीम क्या थी, #BalanceForBetter, और उसकी जनरल थीम क्या थी, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। और अब हम क्या मना रहे हैं, 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बच्चों के लिए क्रेच चाइल्ड डे केयर सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुंबई कॉरपोरेट ऑफिस में चाइल्ड डे केयर की सुविधा शुरू की है। अच्छा इसमें होगा क्या गुरुजी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो वरिष्ठ पदों पर तैनात जो महिला कर्मचारी है ना, अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ कार्यस्थल पर ला सकेगी, और इसमें प्रत्येक बच्चों की लागत पे जो खर्चा आएगा ना, उसका 60% तो बैंक देगी, बाकी का जो प्रतिशत होगा वो माता पिता उसका वहन करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है ये चाइल्ड डे केयर सुविधा देने वाला। अच्छा मैंने क्या बोला, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ याद आया, अभी मार्च में अपन ने पढ़ा था, हमारे पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कौन, हसमुख अधिया बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अधिकारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने थे। अच्छा देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई है तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। स्थापना हुई थी 1908 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन कौन है, हसमुख अधिया, और MD CEO कौन है, PS जयकुमार। अच्छा देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा होगा, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे ना, तो आपने 4 जनवरी का भी देखा होगा, और वहां मैंने बताया था विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय यानी कि मर्जर की मंजूरी मिल गई है, और अभी 1 अप्रैल 2019 को ऑफिशियली इनका विलय हो जाएगा, और विलय के बाद यानी कि मर्जर के बाद, इन तीनों बैंक के मर्जर के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा संपत्ति के मामले में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। अच्छा गुरुजी, बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा ना, तो पहले दो कौन है, पहले पे SBI है,
दूसरे पे HDFC है और तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा संपत्ति के मामले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IPL टीम ने बुक माई शो के साथ साझेदारी की है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान रॉयल्स ने। तो हाल ही में IPL टीम कौन सी, राजस्थान रॉयल्स ने बुक माई शो जो टिकट प्रोवाइड करती है ना उसके साथ दूसरी बार साझेदारी की है। यानी कि राजस्थान रॉयल्स के जो होम मैचेज होंगे ना, यानी कि राजस्थान में जो मैचेज होंगे उसके लिए यहाँ से टिकट्स की बिक्री शुरू की जाएगी और जितने भी टिकट्स होंगे ना उसका 50% टिकट इसी से बेचे जाएंगे। तो इसके जरिए फैंस जो प्रशंसक है ना वो टीम के मैचों को देखने के लिए आसानी से टिकट यहाँ से खरीद सकेंगे। अच्छा, 2018 में भी IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स ने bookmyshow.com के साथ टाइप किया था। अच्छा, राजस्थान रॉयल से आपको कुछ याद आया, चलो मैं ही आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। अभी 14 फरवरी को ही मैंने आपको बताया था, तो आंसर होगा शेन वॉर्न। और राजस्थान रॉयल ने अपनी जर्सी का कलर ब्लू से पिंक भी कर लिया गया था। अच्छा देखो, IPL से याद आया, 6 दिसंबर को मैंने आपको बताया था दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया गया है, कोई बता सकता है? तो फिर आंसर क्या होगा, दिल्ली कैपिटल। अच्छा, दिल्ली कैपिटल के कोच कौन है, रिकी पोंटिंग। तो रिकी पोंटिंग से मुझे याद आता है, अभी 2019 के ICC वर्ल्ड कप होंगे ना उसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसके सहायक कोच बने हैं कौन, रिकी पोंटिंग, ये भी फरवरी में बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कैंसर के मरीजों के लिए एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र किसे मिल गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को कैंसर के मरीजों के इलाज एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र मिल गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर को मिला है, तो जम्मू कश्मीर को आप मैप में देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर। कैपिटल क्या है, देखो इसकी दो कैपिटल है, जम्मू और श्रीनगर। विंटर में तो जम्मू होती है और समर में श्रीनगर होती है, और मैंने आपको कैसे याद कराया था, एस से समर, एस से श्रीनगर, ऐसे याद रख लो। गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक है, और अभी मुख्यमंत्री वहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो फिर आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आंसर होगा वुलर लेक, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, ये तो बात हो गई इंडिया की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आंसर होगा लेक सुपीरियर, कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। अच्छा देखो, जम्मू कश्मीर से अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको फरवरी में बताया था, क्या गुरु जी, जम्मू कश्मीर ने अभी लद्दाख को अपना अलग प्रशासनिक विभाग यानी कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने को मंजूरी दी थी। तो याद रखना, इस तरह से जम्मू कश्मीर अब 3 संभाग होंगे, कौन कौन से गुरुजी, जम्मू कश्मीर और ये जो नया बना है लद्दाख। और लद्दाख के अंदर कितने जिले आएंगे गुरुजी, तो 2 जिले आएंगे, लेह और कारगिल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लेह में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अच्छा रुको, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंसर, तो क्या आप बता सकते हो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? और मैं गारंटी लेता हूँ उन लोगों की जो डेली जनवरी फरवरी से हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं वो इसका आंसर 100% देंगे, क्योंकि इसको मैंने जब भी आपको रिवाइज कराया है एक ट्रिक से मैंने आपको बताया, हम लोग ट्रिक से पढ़ी थी इसको, तो इसको याद रखने की ट्रिक हमें हमारे सब्सक्राइबर रुद्रन ने बताई थी। क्या थी ट्रिक, चीर फाड़। तो चीर फाड़ 4 फरवरी से हमने याद करा था, 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, और इसकी थीम याद करना इस बात की इम्पोर्टेंट है, I am and I will। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोइंग 737 मैक्स 8। तो अभी हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय, इंग्लिश में बोलेंगे तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया है। अच्छा गुरुजी, ऐसा किया गया, तो अभी कुछ दिनों पहले ही इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में उड़ान भरने के बाद बोइंग 737 मैक्स 8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उस दुर्घटना के कारण उसमें सभी 157 यात्री की मृत्यु हो गई थी। तो इसी कारण से अब भारत ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा देखो, यहां से खूबसूरत प्रश्न ये बन सकता है कि बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा नीदरलैंड।
अच्छा आपको पता है ना, मैं आपको चीजें लिंक करा करा करके याद कराता हूं। तो यहां पे क्या लिख रहा है, विमान। तो विमान से मुझे याद आता है, फरवरी में मैंने आपको बताया था एयर इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने थे, तो आंसर होगा अश्विनी लोहानी। ये पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे लेकिन अब एयर इंडिया के एमडी सीईओ बन गए हैं। अच्छा पहले थे ना, मैंने क्या कहा, ये पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो वर्तमान में हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, क्या आपको पता है, तो आंसर होगा वीके यादव, विनोद कुमार यादव। अच्छा विमानों से ही मुझे याद आता है, जेट एयरवेज के चेयरमैन ने भी अभी मार्च में ही इस्तीफा दे दिया था, तो कौन है वो, नरेश गोयल। अच्छा देखो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो सुरेश प्रभु जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रियल मैड्रिड के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिनेदिन जिदान को। तो रियल मैड्रिड एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब का नाम है और अब उसके कोच बन गए हैं कौन, जिनेदिन जिदान। अच्छा मैंने क्या कहा, रियल मैड्रिड एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, तो फुटबॉल से मुझे याद आया। अच्छा पहले तो आप मुझे बताओ कि हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम क्या है, तो आंसर होगा सुनील छेत्री। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी फरवरी में फुटबॉल रत्न पुरस्कार से, और याद रखना पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो आंसर क्या दोगे, सुनील छेत्री को। अच्छा मुझे आप बताओ सुनील छेत्री को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा कैप्टन फैंटास्टिक। और याद रखना भारत की फुटबॉल टीम के कोच ने अभी जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, चलो आप मुझे उसका नाम बताओ, तो आंसर होगा स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। अच्छा एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूं, तो बताओ 2019 के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी कौन करेगा, होस्ट कौन करेगा, तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। ये जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस है ना, ये फुटबॉल से ही संबंधित है। तो देखो ये सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होंगे अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अगर आप नए नए जुड़े हो और आप चाहते हो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना, तो जैसे भी आपको टाइम मिलता है ना, अभी देखो साल शुरू ही हुआ है, जनवरी फरवरी निकला है, तो एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जनवरी और फरवरी के सभी वीडियोस, जैसे भी एक दिन में दो दो तीन तीन जो भी जैसे भी समय मिलता है उसको देख डालें, ताकि जब भी हम रिवीजन कराएं तो आपको भी उतना ही फायदा हो जितना कि पुराने बच्चों को मिल रहा है जिन्होंने वो वीडियोस देखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 राज्यों ने। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के बाद भारत के 12 राज्यों ने ई सिगरेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा देखो ई सिगरेट का टेक्निकल नाम क्या है, एंडस, ENDS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। अच्छा सिगरेट तो आपने सुना है, ये ई सिगरेट क्या है, तो देखो जैसा नाम से मालूम चल रहा है ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी कि ये सिगरेट जो है वो बैटरी से चलती है, इसमें एक्चुअल में एक लिक्विड निकोटीन भरा हुआ होता है, तो बैटरी की सहायता से जो लिक्विड निकोटीन है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि धुएं में बदल जाता है, फिर उस धुएं को आप बॉडी के अंदर लेते हो सांस के द्वारा और बाहर छोड़ते हो जिस तरह से सिगरेट पीने वाले करते हैं। अच्छा गुरुजी ये 12 राज्य कौन से हैं, तो पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और झारखंड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 मार्च 2019 को WWW को कितने साल पूरे हो गए हैं, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30 साल पूरे हो गए हैं। तो अभी 12 मार्च 2019 को WWW को 30 साल पूरे हो गए हैं। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो ना आप सर्च मारने के लिए। अच्छा WWW के फाउंडर कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, तो टिम बर्नर्स ली, ये नाम आप याद रखना। तो 2019 में WWW को 30 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा आपको पता है ना 2019 में हम महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मना रहे हैं, तो 150वीं यानी कि महात्मा गांधी जी को जन्म हुए जब उनका बर्थडे था उससे अभी 2019 में कितने साल हो गए, 150 साल हो गए। और 2019 में अगर बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ताकि कम से कम इस बहाने ही सही आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना वर्ष तो याद हो जाए कम से कम, क्योंकि देखो आपको पता रहेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 100वां वर्षगांठ ये मना रहा है, तो यानी कि 100 साल पहले इसकी स्थापना हुई होगी, अभी क्या चल रहा है 2019, तो यानी कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहां से आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वन दिल्ली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन आप में से ज्यादातर ने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जिन भी लोगों ने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। शिवम, ऑगस्टिन, सोमेश, प्रशांत, सत्यवान, संदीप, सुधीर, भीष्मलाल, उत्पल, तरुण, जय, गौरव, शिंटू, सिकंदर, ठाकुर, मयंक, पुष्पेंद्र, मनीष, बलवंत, सीमा, शुभाशीष, गोमाराम, अंकित, कांताजी, अनामिका, विशाल, अमित, खुशबू, रोशन, अनिलेश, चंदन, सुप्रिया, आर्य, नीतू, ब्रजेश, जय, कपिल, नैन्सी, हिमांशु, अनादि, राखी, सुचित्रा, अन्ना, मोहम्मद हुसैन, तृप्ति, आकाश, रूपाली, अभिषेक और अजय। अच्छा, अब हम चलते हैं वीडियो के सबसे खूबसूरत पार्ट की ओर, यानी कि ये रही आपकी पजल, ये रही आपकी क्विज। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, अब उसे कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए नीचे आ जाओ कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आते ही सबसे पहला कमेंट मैंने आपके लिए पिन करके रखा हुआ है, वहीं पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका सॉल्यूशन उस वाले से मैच करना, अगर आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है तो उसी के रिप्लाई में अपना आंसर आप डाल देना, ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस क्विज को अटेम्प्ट किया है। अगर आंसर मैच नहीं करते तो अपनी गलती देखना और उसे सुधारना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिलता है ना, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करा करो। और लाइक करने के बाद जो भी आपका व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहां पे इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दिया करो। देखो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं लूंगा लाइक शेयर बोलने में, बस इतना सा कहूंगा, आपने नोटिस किया होगा पूरे वीडियो में मैं कहीं पर भी न तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, न लाइक शेयर के लिए मैं आपसे बोलता हूं। मुझे पता है इससे मेरा ही नुकसान होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं ये बोल करके न तो मैं आपका टाइम वेस्ट करूं और डेली एक ही एक बात बोल करके न मैं आपको इरिटेट करूं। मैं अभी भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना सा कहूंगा, थोड़ी सी ईमानदारी आप मेरे प्रति जरूर दिखाएं। अगर मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो आपका भी हक बनता है मेरे बारे में सोचने के लिए। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हाल ही में मिजोरम के प्रथम लोकायुक्त कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ये रहे कमेंट बॉक्स, वो रहा कोशिश करना इसको डिटेल में लिखने की। अब जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप इसे सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन आएगा, उसे आप जरूर दबाना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप रेगुलरिटी बनाए रखना, कुछ दिन बाद आप खुद कहोगे कि गुरुजी मजा आ गया। अब लास्ट बार आप कमेंट जरूर करना और बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिक जिगर ट्रिक्स।